अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का सपना संजोए राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रशासन के अनुरोध पर बुधवार को होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करते हुए गुरुवार को रामलला मंदिर भूमि पूजन को उत्सव के रूप में सामाजिक दूरी और मास्क पहनकर मनाया। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के पदाधिकारियों, सदस्यों और व्यापारी बंधुओं ने भगवान श्री रामचंद्र के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन आरती करते हुए श्री रामचंद्र के जय घोष के गगनभेदी नारे भी लगाए। साथ ही साथ सवा क्विंटल लड्डू प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण किया। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष सूरजनाथ गुप्ता, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, रंजीत अग्रवाल, राजेश तिवारी, आनंद त्रिपाठी, दयाशंकर गुप्ता, मेंटेनेंस प्रभारी प्रशांत त्रिपाठी, केशव वर्मा, पृथ्वीनाथ गुप्ता, सुनील गुप्ता, दुर्गेश कश्यप, रोहित गुप्ता, अजय गुप्ता, राकेश वर्मा, नीरज रुपेश गुप्ता, विशाल यादव, महेंद्र वर्मा, गुड्डू कुमार, प्रवीण वर्मा सहित कई दुकानदार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारी रत्नेश गुप्ता उर्फ प्रभु और राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल ने बताया। जय श्री राम। 500 साल बाद इतना ही पवित्र बेला का समय आया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। इससे बड़ा हम लोगों जीवन में कोई खुशी नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी है ये कि क्या बोलते हैं, 500 साल में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि भारत के साथ साथ विश्व के सारे देश के लोगों और विश्व के लोगों सब लोग एक दूसरे के साथ हमेशा मंदिर बढ़ाने में एक योगदान करें। किसी भी धर्म का हो, राम तो सबके हैं, सारे धर्म के लोग राम का जय जयकार करें। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का कल 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों से अपील किया था कि कल का कार्यक्रम मत ना रखिए, नहीं तो हम लोग सवा क्विंटल लड्डू बांटने के लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया था राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने और राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजन से। कल ऐतिहासिक दिन कई चीज़ों के लिए था। एक क्रांति दिवस था, अगस्त क्रांति की शुरुआत 5 अगस्त को हुई थी और तमाम चीज़ें हुई थी जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है। कल सबसे बड़ी बात ये हुई कि कल राम भगवान श्री राम का जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए शुरुआत हुई। हम लोग की इच्छा थी कि कल ही हम लोग भी पूजन करें, लेकिन चूँकि हम लोग कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहते थे, लिहाजा हम लोगों ने प्रशासन के आह्वान पे और ये माना और उस कार्यक्रम को आज के लिए पोस्टपोन किया। क्योंकि ये हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस तरह की न्यूसेंस की क्रिएशन हो। हम लोगों ने भगवान श्री राम की आज पूजा किया और उनके जो राम दरबार का बकायदा आरती किया गया और इसके साथ ही हम लोगों ने सब दुकानदारों को लड्डू वितरण किया और जो भी यहाँ आ रहा है सबको लड्डू वितरण किया और अपने खुशी में समाहित किए। राम सबके लिए हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रेरणा से हम लोग प्रभावित हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और गोरक्षपीठ के जो संघर्ष था रहा वो प्रतिफलित हुई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो शायद बहुत लोगों को याद नहीं होगा, जब रथ यात्रा निकली थी तो उस रथ यात्रा में उन्होंने एक सारथी की भूमिका निभाई, किसी के जीते जी उसके संघर्षों के पंडित हुई, उससे ज़्यादा खुशी उसको नहीं मिल सकती है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि साक्षात दंडवत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, और एक उनका जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति भी हुई, हम सबके लिए खुशी की बात है। इसी के बारे में हम लोग आज इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। राप्ति कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य खड़े हैं, हम सब के साथ अपेक्षा है कि भगवान श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रहे हैं, उनके हिसाब से ये देश रामराज योगी प्रदेश योगी राज के नेतृत्व में रामराज की तरफ बढ़े और देश रामराज की तरफ बढ़े, यही हमारी आकांक्षा है। धन्यवाद।